के बाद बनारस की साड़ी इंडस्ट्री में अब फिर से हलचल देखी जा रही है। इसकी वजह से बुनकरों के चेहरे पे ना सिर्फ चमक दिखाई दे रही है बल्कि ऑनलाइन बिक्री और बुकिंग की वजह से बनारसी साड़ी विक्रेताओं को उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगी है। देखिए रिपोर्ट। बुनकरों के शहर बनारस में जिस लॉकडाउन के दौरान सब कुछ ठप पड़ गया था, सभी रोजी रोजगार पर ताला लग गया था, उसी शहर बनारस में अब लगभग उद्योग धंधे पटरी पर लौटने लगे। सबसे बड़ा बदलाव बनारसी साड़ी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, जहां बुनकर से लेकर साड़ी विक्रेता तक न सिर्फ खुश हैं, बल्कि अपने काम धाम में भी जोर शोर से लग गए हैं। अब तो अच्छी बात है कि खुल गया है, हम लोगों का कुछ रोजी रोजगार चल रहा नहीं, पहले बंद था एकदम दुकान, हम लोग बहुत परेशान थे, अब जाके खुला है तो अब कुछ आ रहे हैं कस्टमर, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अच्छा, मतलब खुशी की बात है। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पहले गदौलिया बहुत अच्छा था, लॉकडाउन की वजह से सब खराब हो गया था, फिर उसके बाद दुकानें थोड़ी खुलने लगी है, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह शुरू हो गया है। बहुत ही खुशी की बात यह है कि हर एक आदमी का मतलब जीवन यापन धीरे 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 सब शुरू हो गई है। 6 महीने तो लॉकडाउन के कारण दुकान बंद पड़ी थी और अब दुकान खुलने का इजाज़त मिला है, जिसके बाद अब धीरे धीरे बाजार में रौनक उठ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं और शादी विवाह के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहे हैं और लगन के कस्टमर भी आ रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में। बहुत खुशी की बात है, दुकान खुलने से हमारे स्टाफ लोग जितने भी हैं सबको रोजी रोजगार मिल रहे हैं। कोरोना काल के बाद से जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से वाराणसी के बुनकरों ने साड़ी बुनाई की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे सब अनलॉक हो गया है तो बनारसी बुनकर उद्योगों में तेजी दिखाई देने लगी है। बुनकरों में ये उम्मीद जगी है कि इस समय जिस गति से ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं और साड़ी खरीद रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। पिछले 5 महीने से तो बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ था, अब इधर भी तो थोड़ा वो धीमे धीमे काम शुरू हुआ है। अब देखिए अब कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, अब कब गाड़ी तो पटरी पर आ रही है धीमे धीमे, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कारोबार आगे जल्दी से चलेगा। पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, अब अल्लाह के करम से धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है, जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे काम आ रहा है। वाराणसी की गलियों में पावर लूम और हैंडलूम की खटर पटर की आवाज वैसे तो आम दिनों में आम होती थी, लेकिन बनारस के बुनकर पिछले 6 महीने से ये आवाज सुनने को तरस गए थे, क्योंकि एक अनजान बीमारी ने सभी लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया था। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब बुनकर इंडस्ट्री में न सिर्फ तेजी दिखाई दे रही है बल्कि बुनकर से लेकर साड़ी विक्रेता तक के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिन में और बढ़ने की उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में तहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूँ। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या हुआ है, तो
अगले दो साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं।